इस वक्त हम दीघी गांव में मौजूद हैं। निशिकांत दुबे यहां पर जनसंपर्क कर रहे हैं। कोई बैनर नहीं है, कोई पोस्टर नहीं है, कोई स्पीकर नहीं है, ना कोई भाषण है। यहां सब लोग सामने बैठे हैं, निशिकांत दुबे हैं। संवाद हो रहा है किस तरह से वोटिंग होनी है, कितनी उम्मीदें हैं, कितना मार्जिन होना चाहिए, उस सब पे चर्चा हो रही है और पूछा जा रहा है कि गाँव में विकास हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह से ये आम रैली से अलग चुनावी रैली है। पीछे कुछ महिलाएं भी आई हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। अम्मा, हाँ, कौन आया है आज? मेरे लोग निशिकांत दुबे आए। अच्छा, जानते हैं? हाँ। तो काम वाम हुआ पिछले 5 साल का? काम कुछ काम नहीं हुआ है सर। अच्छा, काम होना चाहिए। क्या कमी रह गई? बहुत कुछ कमी है सर। हाँ। बहुत कुछ कमी है। बताइए कुछ एक दो। क्या है, घर द्वार किसी को कमी रह गया है, रोड कमी रह गया है। अच्छा, घर द्वार सबको नहीं मिला है? सबको नहीं मिला है सर। अच्छा, 24 की क्या तस्वीर लग रही है, कौन जीत रहा है 24 में? अभी तो इसी का पारी है। आगे है, बहुत ऊपर काम किया है मोदी ने, राम मंदिर बनवाया, ऐसे कई मुद्दे हैं, उस पर हम लोग देखते हैं न्यूज में और विकास भी देखते हैं पूरा देश में हो रहा है, इसलिए उसके साथ है। निशिकांत दुबे धूप और गर्मी से बचने के लिए छोटे छोटे पंडाल लगाकर गांव वालों से चर्चा कर रहे हैं, लोगों की शिकायतें भी सुन रहे हैं और समाधान भी बता रहे हैं। वहां रंग गैस के पाइपलाइन थे और जो रंग है बिजली के मीटर लग लो छे ना, यार मीटर लगते कि अपना कितना गैस ले लो महीना में, जैसे एक में की होते कि केकरो चक्कर नहीं छे, जखनी मोन हुआ अपना गैस जला लेला, जखनी मोन होले बंद हो गए, 24 घंटा गैस के सप्लाई छे। निशिकांत दुबे एक दिन में 15 से 20 गांव घूम रहे हैं, कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा रहे हैं। निशिकांत पुरुष जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय सांसद निशिकांत दुबे जिंदाबाद, 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 माननीय सांसद निशिकांत दुबे जिंदाबाद। बीजेपी कैंडिडेट जब किसी गांव में वोट मांगने जाते हैं तो सबसे पहले उस गांव के मंदिर में देवताओं का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। गोड्डा लोकसभा का भगैया गांव रेशम और सिल्क के लिए फेमस है। भगैया गांव के सिल्क के कपड़ों की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं।